नमस्कार, ब्लैंक का स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ ट्रिकी अलजेब्रा का सम। ठीक है, देखिए अगर ये स्क्वायर होता है तो हम लोग बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, मगर इस तरह का जो सवाल है काफी समय ले लेगा अगर इसको हम लोग लेंदी सॉल्व करेंगे तो। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने डिजिट सम वाला वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं तो डिजिट सम का वीडियो एक बार फिर से दे देंगे, वो तब दूसरे चैनल में था। देखिए इसके लिए क्या करना है, हमको इसका अंतर देखना, अंतर कितना का है, एक का अंतर है। चलिए पहला संख्या को मान लेते हैं एक, दूसरा संख्या को बी, ये अंतर है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंतर, अंतर मान लीजिए हम लोग का है डी, तो डी का क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला होगा। डी जो है अंतर है, अगर हम लोग इसमें इसको पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो रहा कंसेक्यूटिव नंबर का, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहा 35 का स्क्वायर माइनस 32 सॉरी 35 का क्यूब माइनस 32 का क्यूब, अगर ऐसा है हम लोग देख पा रहे हैं अंतर कितना का है, अंतर 3 का है, मतलब कि यहाँ हम लोग डी का वैल्यू मिला 3, ए का वैल्यू मिला 35, बी का वैल्यू मिला 32, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, डी के जगह में सिर्फ हम लोग को यहाँ 1 पुट कर रहे थे, यहाँ डी के जगह में 3 पुट कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा मात्र 2 सेकंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अब देखिए एक अगले प्रकार का सवाल देखते हैं, ये सवाल देखिए 315 का स्क्वायर है और 285 का स्क्वायर है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग तो बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन इस तरह का सवाल में भी एक जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं जो हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, इसको हम लोग 300 प्लस 15 लिख पाएंगे, इसको 300 माइनस 15 लिख पाएंगे, मतलब ये बता रहे हैं जस्ट लिखने के लिए 300 प्लस 15, ये 300 माइनस 15। देखिए ये अंतर कितना का है, 15 का, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, कितना होगा 15 का स्क्वायर 225। अब इसको डबल करना है, क्या करेंगे, लास्ट जो हम लोग अंतर आ रहा है इसमें प्लस 15, इसको माइनस 15, इसका स्क्वायर किए और इसको डबल कर देंगे, कितना होगा 450। और हम लोगों को इसको चार डिजिट बनाना है, तो चार डिजिट बनाने के लिए आगे में 0 पुट किए, चलिए इसको लिख लिए। अब देखिए ये कितना है आगे में 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, इसको 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ किए तो यहाँ भी करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, तो इसका जो उत्तर आएगा अब इन दोनों को कटा के लिख देंगे 18, 0, 4, 5, 0, ये होगा हम लोग का उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। अब देखिए ये दूसरा सवाल है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को 2-3 दिन तो आराम से ही लग जाएगा। चलिए अब इसको इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। इसमें हम लोग डिजिट सम मेथड अप्लाई करेंगे, डिजिट सम मेथड अगर नहीं पता है तो देखिए बताते हैं, युवा 6 और 3 9 जोड़ के 36 में दोनों को जोड़ने से 9 आएगा, 9 को आप कुछ भी गुणा कर लीजिए उसको जोड़ने से 9 ही आएगा, उसको 9 लिख लिए। चलिए यह 8 और 6 14, 14 मतलब 4 और 1 मतलब 5, और 5 का क्यूब 125 मतलब 5 2 7 और 1 8 मतलब क्या आएगा 8 आएगा, बीच में माइनस से दे दिए तो 9 में से 8 गया 1 बचा, तो हम लोगों को देखना है कि उत्तर में किसको जोड़ने से जो है 1 आएगा। यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि 9 जो होता है उसको हम लोग 0 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 1 किस में आ रहा है, 5 देखिए 9 आया ये तो ऐसा ही कैंसिल, 8 और 1 9 ये भी कैंसिल, 5 3 8 2 10, 10 मतलब 1 और 0 मतलब 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, और किसी में आता है क्या, चेक कर लेते हैं, ये 9 है कैंसिल, 8 4 12 12 3 15 2 17 मतलब 7 और 1 8 आया, ये नहीं होगा, इसमें देखिए 9 कैंसिल, 8 4 12 12 5 17 17 3 20, 20 मतलब 2 और 0 मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें देखिए 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 5 और 1 6 इसमें 6 आ रहा है, क्या आया ऑप्शन नंबर 1, ये हो हम लोग का सही उत्तर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह कुछ मजेदार मजेदार ट्रिक्स को देखते रहने के लिए। थैंक यू।